नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किडनी हमारे शरीर का बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके शरीर की जितनी गंदगियाँ हैं, जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, उन सब को छान छान के शरीर से बाहर करता रहता है। लेकिन आप सभी जानते हैं, जैसे हम आप आपके घर में मोटर है या कुछ फिल्टर लगा है, तो बहुत दिन तक अगर मोटर फिल्टर ऐसे पड़ा रहता है तो उसमें कुछ पपड़ी सी जमने लगती है या कुछ इम्प्योरिटी सेटल होने लगती है, जिसको हम फिर निकाल के साफ करते हैं। लेकिन अब अपनी किडनी को हम निकाल के साफ़ नहीं कर सकते, तो इसको क्लीन करने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी किडनी एकदम क्लीन रहे, उसमें जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल ना होने पाएँ, अंदर बैठने ना पाएँ और हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन करने लगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही बहुत अच्छा एक ड्रिंक, एक पेय बताऊंगी जो हार्डली 5 रुपए में तैयार हो जाएगा। आपके घर में, सभी के घर में ये चीज़ मिलती है और आप इसको यूज़ करके अपनी किडनी को बहुत ही अच्छे से डिटॉक्सिफाइड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, घर में जो धनिया मिलती है, हरी धनिया, बहुत ही अच्छी। दोस्तों, ईश्वर ने हम लोग को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों से लाइक गिफ्ट दिए हैं जिसको हम लोग कभी वैल्यू नहीं करते। धनिया को भी कोई वैल्यू नहीं करता। घर में तमाम ऐसे स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, जिनके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और हमको पता भी नहीं होता और हम उसको यूज़ करते रहते हैं। दोस्तों, जो धनिया है उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो उसके अंदर प्रचुर मात्रा में मिलती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। अब वो धनिया हमारे शरीर में दोस्तों जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है, यानी कि LDL को, जो लो डेंसिटी लिपिड होते हैं, और HDL को बढ़ाता है, यानी हाई डेंसिटी लिपिड को शरीर में बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके किडनी पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, आप बहुत लंबे समय से मेडिसिंस खा रहे हैं जिससे आपको फील हो रहा है कि आपकी किडनी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, उसको बहुत ज़्यादा एग्जर्शन पड़ रहा होगा और कहीं ना कहीं उसमें उसके जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो अच्छी नहीं हो रही है, तो आप इस पेय को रोज़ ऐड करें अपनी डाइट में, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और कुछ दिन में आप फील करने लगेंगे आपकी जो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है। आपको क्या करना है, सिंपल आप धनिया पत्ते लेके आएँ और अच्छे से उसको धो के साफ़ कर लें और उसको अच्छे से चॉप करके 1 लीटर पानी लें, उसमें उसको डाल के आप ढक के अच्छे से पकाएं ताकि उसका वेपर ना निकले और जो एक्सट्रैक्ट है बिल्कुल पानी में आ जाए, और 10 मिनट अच्छे से बॉयल करने के बाद आप उसको एक साफ़ कपड़े, सूती कपड़े से भी छान सकते हैं या आप छन्नी से छान सकते हैं, छान के आप अपने पास रख लें, फ्रिज में रख लें या ऐसे रख लें, उसको थोड़ा सा ठंडा कर लें और हर रोज़ सुबह आप खाली पेट 1 गिलास जब आप पानी पी रहे हैं तो वो पूरा 1 गिलास धनिया के पानी पीजिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा और धीरे धीरे आपके अंदर जो टॉक्सिसिटी वाला इशू है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वो लोग भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जिनको किडनी फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, जिनकी किडनी में जो लाइक सपोज़ आप बोल सकते हैं यूरिक एसिड बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, वो लोग भी इस पेय को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं और उनको भी कुछ दिन में डिफरेंस फील करना शुरू करेंगे कि अभी उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी थी वो रिलेटिवली पहले से कम हो गई है। दोस्तों, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है न्यूट्रिशन में, तो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेडिसिन ही ऐसी ना हो जिनसे मेरे पेशेंट सीख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूट्रल नेचुरल सोर्सेज हैं या घर में अवेलेबल होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही अननेसेसरली मुझे लगता है दवाएं खाना अच्छा नहीं है, जब तक आप अपनी, जब तक आपको एक्सट्रीम कंडीशन ना हो, जब तक आपको लगने ना लगे कि हाँ मुझे दवा खानी चाहिए, तब तक आप अवॉइड करें। दोस्तों, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही क्यों ना हो, आप कोशिश करें दवाएं कम खाएं। एलोपैथिक दवाएं, होम्योपैथिक दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं सभी हैं, ठीक है, रिलेटिवली और पैथी से होम्योपैथिक दवाओं का साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, लेकिन अननेसेसरली अगर आप दवा लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी आपको साइड इफेक्ट्स क्रिएट करने लग सकता है। तो जो नेचुरल चीज़ें हैं आपके पास घर में अवेलेबल हैं, जो पौष्टिक आहार हैं, उन सबको लेके ही अपनी जो नॉर्मल परेशानियाँ हैं उनको आप ठीक करें, ना कि आप सीधे दौड़ के जाके दवा ही खरीद के खाएं।
तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।